ये आधा किलो पनीर ले लिया है और इससे बनाएंगे हम झटपट से बनने वाली मटर पनीर की सब्जी। तो दोस्तों, जब अचानक से भूख लगती है और मन करता है कुछ डिलीशियस सा खाने का, तो सबसे पहले जहन में मटर पनीर का ही ख्याल आता है। तो आज सोचा फटाफट से ढाबे स्टाइल में झटपट बनने वाली मटर पनीर पुलाव के साथ बनाया जाए। तो इस पनीर को मैंने सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस में कट किया और मैं आज इसे बना रही हूँ हल्का सा फ्राई करके। इसको बिना फ्राई करे भी बनाया जा सकता है, पर जब हल्का सा फ्राई कर लेते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैंने पीसेस को रिफाइंड ऑयल में हल्का सा फ्राई करने के लिए डाल दिया है और आप देख रहे हैं हल्के हल्के से स्कार्स आ गए इसके ऊपर। तो दोस्तों, ये चटर पटर वाली सब्जी आज बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है, हर घर में आमतौर पर बनाई जाती है। आज इसे इंस्टेंट वाले स्टाइल में बना रही हूँ। पनीर फ्राई हो गया है और इसी तरह से बाकी के बचे हुए पीसेस भी हम ऑयल में डालकर कर लेंगे फ्राई और देखिएगा ये सब्जी कितनी टेस्टी बनती है। और इसके साथ जो हम पुलाव बनाने वाले हैं ना, सच में दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही यम्मी होता है। तो इसी ऑयल में हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, साथ में ये कटे हुए प्याज मैंने डाल दिए हैं, इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। और जैसे ये प्याज थोड़े लाल से हो जाएंगे तो हम इसमें ये स्प्लिट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। दोस्तों, अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है आप, लेकिन इससे प्याज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप प्याज भी नहीं खाते हैं तो आप इसे सिर्फ टमाटर की ग्रेवी से भी बना सकते हैं। तो दो तेज पत्ते मैंने डाल दिए हैं जो कि इसके फ्लेवर को बढ़ाएंगे। हल्दी पाउडर डाल दिया है, साथ में धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हमारे वही कॉमन मसाले जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, गरम मसाला। ये चारों मसाले मिलकर बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। तो इनको भून लेते हैं प्याज के साथ में। और अब हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। फ्रेश टमाटर मैंने पीसा है और फ्रेश प्यूरी ले रही हूँ मैं। तो ढेर सारी हमने टमाटो प्यूरी इसमें ऐड कर दी और देखिए कितना प्यारा इसका कलर हो गया है। तो मसाला भुन चुका है, ऑयल भी देखिए रिलीज होता नज़र आ रहा है। अब डाल देंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दीजिए। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दिया चीनी, जो कि हल्का सा मिठास जब देती है तो मटर पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है इससे। ये सारी चीज़ें सजाकर ये देखिए मैं इसमें अब मिला रही हूँ मटर के दाने। ये मैंने फ्रोज़न मटर लिया। तो ये जो मटर है ना, जब ये सीज़न ऑफ होने लगता है तो मैं इसको केन करके और प्रिजर्व करके रख लेती हूँ, बहुत काम आती है। तो ये मटर मैंने डाल दिया और साथ में ये फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस ये भी इसमें ऐड कर दिए। तो ये देखिए झटपट से हमारी सब्जी, अब हम इसको फ्राई कर चुके हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी, जितना भी डाइल्यूट आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक नॉर्मल क्वांटिटी डाल रही हूँ पानी की, जो कि हम आज पुलाव के साथ खाने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये रसे की ही अच्छी लगती है सब्जी। अभी इसको मैं दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें पुलाव भी बनाना है ना। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने ये एक कुकर रख दिया है और इसमें मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। खूब ढेर सारा देसी घी आप डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर भी मैंने इसमें जीरा ऐड किया है और ये थोड़े से खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें कि तेज पत्ता है, काली मिर्च है, जावित्री है और दालचीनी है। ये सब चीज़ें हल्का सा फ्राई कर देंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ये स्प्लैटर हो जाए। और ये थोड़े से मैंने डाल दिए काजू, काजू तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने इनको पीसेस में कट नहीं किया है, साबुत ही डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें ये किशमिश मिलाएंगे, किशमिश को बहुत ही हल्का सा फ्राई करते हैं। और ये फ्राई करते हैं तो थोड़ी सी फूल जाती है, ये चावल के साथ जब खाने में आती है ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये मैंने चावल ले लिया है, बासमती राइस है, इसे मैंने भिगो के रख दिया था करीब एक घंटा पहले और ये अब फूल गया है, इसने पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब भी आप पुलाव बनाएं तो भीगा हुआ चावल ही यूज़ करें। तो सारी चीज़ें मिला दी अच्छे से, हल्का सा मैंने भून दिया है इस चावल को और बहुत ही थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, बस एक हल्का सा सॉल्टी सा टेस्ट आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि सब्ज़ी में भी नमक है।
और इसमें हम पानी डाल देंगे। ये 2.5 कप पानी मैंने डाल दिया है। मान के चलिए कि करीब आधा से पौन इंची चावल से ऊपर होना चाहिए पानी। सब चीज़ें चला दी और लगा दिया लिड, और अब इंतज़ार करेंगे इसमें विसिल आने का। सिर्फ एक विसिल लगानी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं सब्जी। ये देखिए सब्जी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ रहा है। तो अब इसको हम ढक देंगे और गैस को कर देंगे स्लो। तो हमारा पुलाव भी पक गया है और एक तरफ सब्जी भी पक रही है। अब देखिए सब्जी का हम लिड हटा के देखते हैं। वाह कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, है ना, कितना अच्छा कलर आया है। तो थोड़ा सा चाहें तो इस तरह से मटर के दाने को दबा के देख लें हाथ से। तो मटर के दाने ये सॉफ्ट हो गए, इट मीन्स हमारी सब्जी कुक हो चुकी है। ऊपर से डाल देंगे इसमें हरा धनिया। हरा धनिया तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। और सच में मटर पनीर और पुलाव देख के बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो बना डालिए ना फटाफट, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार हो जाती है। तो इसे बनाइए, सर्व करिए और फिर देखिए बच्चे कितने खुश होते हैं इसको देख के। ये देखिए हमारा पुलाव कितना खिला खिला बना है। तो अगर आप पुलाव में अच्छी तरह से सारे खड़े मसाले भून के और इस तरह से भीगा हुआ चावल यूज़ करेंगे, पानी की मात्रा एकदम ठीक रखेंगे, तो आपका पुलाव भी इसी तरह से खिला खिला बनेगा। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक शेयर तो बनता ही है ना। दोस्तों अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं और भी ऐसी रेसिपी हमेशा आपके लिए लेकर आती रहूँगी। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय।